हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार की शाम एक कुश्ती अखाड़े में अचानक फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में दो कोच और एक यूपी की महिला पहलवान समेत 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी कोई भी मामले पर साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, हालांकि पुलिस इसे आपसी रंजिश मान रही है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। मृतकों में अखाड़े का संचालक कोच मनोज मलिक, उसकी पत्नी साक्षी, महिला पहलवान पूजा, कोच सतीश कुमार और प्रदीप मलिक शामिल हैं। कोच अमरजीत सिंह और उनका 3 साल का बेटा सरजीत घायल है। रोहतक के एसपी राहुल शर्मा ने पहले कहा था कि घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। हालांकि बाद में बताया गया कि गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। प्राइमा फेसी अभी तक ये पता चला है कि 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं और कुछ लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो अभी हमारी टीम सबने बनाई है जो इस विषय में जानकारी इकट्ठी कर रही है। एज ऑफ नाउ कोई कंक्रीट कह पाना कि किसने चलाई है, क्यों चलाई है, वो हमें क्लैरिटी दे। वो अभी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अभी उसके परिवार के लोग आए हुए। इंजर्ड कितने हैं सर? अभी वो क्लैरिटी नहीं है, अभी मैं मौके पर पहुंचा ही हूँ तो जैसे ही क्लियर होगा आपको। सारे एक ही फैमिली के लोग हैं? अभी ये कह पाना मुश्किल है कि जी रिलेटिव्स हैं या एक ही फैमिली के हैं। प्राइमा फेसी वो सब अलग अलग लग रहे हैं।